उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने का काम भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत सभी सांसदों को निर्देशित किया कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने का कार्य करें, अपने जिले में प्रतियोगिता को आयोजित करके क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल में बढ़ावा दें, जिससे गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिल सके, जिससे खिलाड़ी देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में जहां भी खाली स्थान है वहां पर मिनी स्टेडियम बनाकर खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता जनपद में हो रही है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी बाहर निकलकर देश का नाम खेल में रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों को 20 दिसंबर को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अधिकार और बैज लगाकर समाज के सभी मुख्य अधिकार और वाले आतंक और उसके बाद श्री टी के ताली मिले जोड़े बालिहाल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस चैंपियनशिप को लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों की नज़र में जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भी इसमें अविस्मरणीय योगदान है। कल के सारे न्यूज पेपर जोरदार ताली भाई दोनों का। आप दोनों टीमों से कहती थी कि गरिमामय उपस्थिति में पहले गोरखपुर मंडल की टीम से परिचय प्राप्ति, जमाने में कोई ना सहारा नजर आया, बस एक तू ही हमें अपना नजर आया, तेरे प्यार में इस कदर बहते चले गए, ना तूफान दिखा ना तू। फर्स्ट सर्विस फ्रॉम गोरखपुर साइड सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया भाई, इस मैच तो कर दिया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पर गोरखपुर मंडल की टीम देखते हैं अपनी मेजबानी का कितना सबूत दे पाती। और इसी के साथ यहाँ पर गोरखपुर मंडल
दल के 11 नंबर प्लेयर ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में खेलों को बढ़ावा देने का काम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत पूरे देश भर में सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने का काम करें और प्रतियोगिताएं आयोजित करें जिससे गाँव में छुपी हुई प्रतिभाएं उनको मंच मिल सके, वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर जगह खेलों को बढ़ावा देने का काम, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम और गांव-गांव में जगह जगह पर जहां पर भी स्थान है मिनी स्टेडियम बना करके इस प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता गोरखपुर की भूमि पर पूरे उत्तर प्रदेश के यहां पर हो रही है। आज उसके शुभारंभ करने के लिए मैं यहां आया हूं और मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल की भावना के साथ साथ निकल करके अनुशासन के साथ रह करके आगे बढ़ते हैं, ये मुझे विश्वास है कि ये उत्तर प्रदेश का नाम देश में रोशन करेंगे।